जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मैं यही बताना चाहती हूँ कि झारखंड में पुलिस का इतना दमन चल रहा है कि सभी को देशद्रोही यूपीए के तहत सभी को जेलों में डाल रहे हैं। और एनएसएस के 12 कुल 28 सदस्यों के ऊपर यूपीए लगा हुआ है और देशद्रोही का मुकदमा उस पर चल रहा है और उसको अभी तक जेल में रखा हुआ है। और ये भारत जलाओ पार्टी माचिस लेके खड़े हैं इलेक्शन के पहले डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत बहुत गौर से देखना होगा कि आगे इलेक्शन तक क्या होने वाले हैं, क्योंकि वे डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि वो हार के तख्त पे खड़े हैं, तो क्या क्या नहीं करेंगे अपने आप को वापस सत्ता में लाने के लिए, क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या झूठ नहीं फैलाएंगे। देश में एक आध मुसलमान हो, दलित हो, कैसे उसको डरा के रखा जाए, दहशत में रखा जाए, उसकी सारी सिविल राइट्स छीन ली जाए, तो आप ये लिंचिंग वाला सिलसिला शुरू करते हैं। और पूरा स्पॉन्सरशिप सरकार का, पूरा स्पॉन्सरशिप पार्टी बीजेपी पार्टी का। ये जो स्टरलाइट का ट्यूटीकोरिन प्लांट था उसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा कि क्योंकि वहां पर बहुत प्रदूषण हो रहा था, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था उस प्लांट की वजह से। पहले तो उन लोगों के ऊपर गोली चलाई जाती है पुलिस के द्वारा, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, और फिर उन्हीं के जिन लोगों को मारा जाता है या जो एक्टिविस्ट उनके लिए आवाज उठा रहे थे उनके खिलाफ मुकदमे चला दिए जाते हैं। पूरे देश में हम ये देख रहे हैं कि ये चल रहा है, खासकर जहां भाजपा की सरकारें हैं या भाजपा द्वारा, जैसे तमिलनाडु की सरकार है वो भाजपा की कठपुतली सरकार है, ये केंद्रीय सरकार की कठपुतली सरकार है। इस देश के अंदर जहां जहां भी भाजपा शासित राज्य है, जहां जहां भी इनकी सरकार है, वहीं पर दमन की कार्रवाई किस हद तक हो रही है, ये जब खुद पर कार्रवाई हुई तो पता लगा। जब भीम आर्मी के लोगों के साथ एट्रोसिटी हुई तो ये समझ लीजिए कि महिलाओं को, बच्चों तक को प्रताड़ित किया गया है। जितना ये कर सकते थे शोषण उतना इन लोगों ने किया। बार बार ये चिल्लाने के बावजूद भी कि भीम आर्मी एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, हम लोगों को गलत दिशा की ओर ना मोड़े, हम लोगों को सही दिशा की ओर चलने दे, इन लोगों ने फिर भी भीम आर्मी पाठशाला को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बंद करने का काम किया। जो लोग वहां पर पढ़ाया करते थे, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, उन लोगों पर इन्होंने मुकदमे दर्ज करने का काम किया। और यह खुला चैलेंज है सरकार को कि आप जितना जुर्म कर सकते हैं कर लीजिए, हम नौजवान आंदोलन जो अभी सीख रहे हैं वो जुर्म सहने की क्षमता हम लोगों में चालू है। ये प्रोग्राम देश भर में जो दमन उत्पीड़न की घटनाएं हैं और जिस तरह मजदूरों और किसानों को जो लोग संगठित कर रहे हैं, या आज के दौर में जो संघ परिवार और उसके जो संगठन हैं उनके द्वारा जो उत्पात मचाया जा रहा है दलितों, अल्पसंख्यकों, जिनके ऊपर उसके ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, जो भी जनवादी शक्तियाँ हैं उनको कुचलने का एक उपक्रम किया जा रहा है, इस सबके खिलाफ यह एक सामूहिक प्रतिरोध है जो यहाँ पर दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है।